नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की 5 सीटों समेत राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा, जाने कब होगा मतदान। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीखों की ऐलान कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों की कुल 56 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की कुल 5 सीट है। बता दें, 50 राज्यसभा सीटों पर सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म होने वाला है, जबकि 6 अन्य सीटों पर 3 अप्रैल 2024 को खत्म होगा। 27 फरवरी को होगा मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान 27 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें 15 फरवरी 2024 तक नामांकन पर्चे लिए जाएंगे। वहीं 16 फरवरी को नामांकन पर्चे की जांच की जाएगी, जबकि 22 फरवरी 2024 नामांकन वापस लेने की तारीख है। MPPSC एग्जाम 2023-24 उम्मीदवारों के लिए अपडेट। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, आयोग गुरुवार को ले सकता है फैसला। आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला गुरुवार को हो सकता है। आज सोमवार को उम्मीदवार ज्ञापन सौंपने के लिए PSC मुख्यालय भी पहुंचे थे और परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी। खबर है कि इसी सप्ताह परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल MPPSC द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के साथ ही प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 इस साल होना है। ऐसे में दोनों परीक्षा के आगे पीछे होने के चलते अभ्यर्थी MPPSC द्वारा मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हुई थी और अब मुख्य परीक्षा 11 मार्च से शुरू होना है और इसी दौरान लोकसभा चुनाव ही होना है। ऐसे में अभ्यर्थियों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, इसलिए भी मांग कर रहे हैं कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाना चाहिए। कमलनाथ बोले, UGC ने आरक्षण खत्म करने का ड्राफ्ट बनाया। आपको बता दें, कांग्रेस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाती आ रही है। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण को लेकर लंबे समय से सियासी खींचतान चल रही है। आरक्षण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को लेकर कमलनाथ ने BJP पर निशाना साधा है। पूर्व CM कमलनाथ ने X पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा। यह आरक्षण समाप्त करने की स्पष्ट साजिश है। शिक्षा मंत्री बोले, अब एक भी पेपर आउट नहीं होगा। आपको बता दें, भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, आगामी परीक्षाओं में एक भी पेपर आउट नहीं होगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। अगले सत्र से एक सख्त कानून भी लागू किया जाएगा। अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षाओं और पेपर लीक होने के सवाल पर उन्होंने कहा, बच्चों को किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर इस प्रकार की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इससे उनका खुद का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, वे आपराधिक गतिविधि के भागीदार भी होंगे। नया सिस्टम हम लेकर आने वाले हैं, उसमें पेपर लीक नहीं हो सकता। पेपर लीक से संबंधित भविष्य में कानून बनाने जा रहे हैं, इसे हम विधानसभा के सत्र में लेकर आएंगे।
भोपाल इंदौर उज्जैन समेत 14 शहरों में टेम्परेचर 28 डिग्री पर। आपको बता दें वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण मध्य प्रदेश में हवा का रुख बदल गया है, इससे ज्यादातर शहरों में दिन रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को भोपाल इंदौर उज्जैन समेत प्रदेश के 13 शहरों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के पार रहा, जबकि खंडवा में अधिकतम पारा 30.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने रात के तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की बात कही है। वहीं दिन का तापमान स्थिर रहेगा, यानी 2 दिन तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। दूसरी ओर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जबलपुर संभाग में हल्की बूंदाबांदी के असर सोमवार को भी हैं। 2367 करोड़ की 9 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित सीएम मोहन यादव होंगे कार्यक्रम में शामिल। आपको बता दें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 30 जनवरी को मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने के लिए संस्कारधानी जबलपुर आ रहे हैं। 30 जनवरी मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2367 करोड़ की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई केंद्रीय और प्रदेश के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। जबलपुर जिला प्रशासन ने 30 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करीब 2 घंटे जबलपुर शहर में रहेंगे और फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश में यह पहली बार होगा जब मंत्रियों और अधिकारियों को साथ साथ आमजन को भी राज्य सरकार ने आमंत्रण दिया है। 30 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए 25,000 लोगों को आमंत्रण दिया है। 2 से ज्यादा विषय में नकल पकड़ में आई तो निरस्त होगी छात्र की परीक्षा। आपको बता दें फरवरी से होने वाली मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे में मासिम इस बार नकल रोकने के लिए और सख्ती करेगा। इसके तहत अगर परीक्षा कक्ष में छात्र नकल केंद्र अध्यक्ष से दुर्व्यवहार मारपीट करता है और FIR होती है तो वह पूरी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। फुल प्रूफ तैयारी के साथ परीक्षा कराई जाने का प्लान प्रशासन ने तैयार करते हुए बोर्ड से आए निर्देशों का भी कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया है। PM मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भोपाल के 2 छात्र भी शामिल हुए। आपको बता दें मध्य प्रदेश और CBSE बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं फरवरी माह शुरू होने वाली हैं। ऐसे में हर साल नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों से बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। देश भर के छात्र छात्राओं ने सवाल पूछे और प्रधानमंत्री ने अपने जवाब से उनकी जिज्ञासा को शांत किया और उनका प्रोत्साहन दिया। उन्होंने बच्चों को सीख दी कि किस तरह परीक्षा से डरकर नहीं डटकर सामना करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 2 छात्रों को भी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन उनका नंबर नहीं लग पाया। मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया था। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित सजीव प्रसारण में विद्यार्थियों के साथ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह परीक्षा पर कार्यक्रम देख रहे थे। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम यादव ने शुरू की मुहिम, आज शाम कई उद्योगपतियों से मुलाकात। आपको बता दें मध्य प्रदेश में मोहन सरकार निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन मार्च में प्रस्तावित किया गया है। गौरतलब है कि 1 और 2 मार्च को मोहन सरकार उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शाम कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में अगले 7 दिनों के अंदर CAA लागू हो जाएगा। ठाकुर बनगांव से भाजपा के सांसद हैं। इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अब CAA का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है और जो लोग बॉर्डर इलाकों में रहते हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। वे राज्य के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की डिजाइन और सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास में प्रकाश, हवा और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाए। प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आवास बरसात से पहले पूरे हो जाएं, इसमें भी सहयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन राजभवन के सभा कक्ष में किया गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, यूपी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नौकरी निकली है। यूपी एनएचएम भर्ती 2024 के तहत कुल 5582 पदों पर मौका है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 29 जनवरी से शुरू हो गया है। सिलेक्शन होने पर सैलरी 35,500 रुपए तक हर महीने मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, बिहार और हरियाणा के बाद अब केरल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले केरल सरकार ने हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 की वृद्धि की है। नई दरें 2023 से लागू होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के